हेलो जी, किदा सारे वधिया? आपां भी बहुत वधिया। जिवें कि तुहानूं पता है, लॉकडाउन हुण 3 मई तक हो चुका है ते अपनी वीडियोज भी तुहानूं रैगूलरली मिलदियां ही रहणगियां। अपनी 17 डे वीडियो चैलेंज दे विच्चों अज 15th वीडियो आपां शूट कर रहे हैं, जिहदे विच अज एक होर नवीं रैसिपी तुहाडे अगे आपां लैके आए हां, जिहदा नाम है बेसन दा चीला। जिहड़ा आपां तुहानूं दस्सांगे डायबिटीज परसनस दे लई काफ़ी ही वधिया ब्रेकफास्ट है, बच्चों के लिए भी काफ़ी ही वधिया ब्रेकफास्ट है। दसांगे अभी तुहानूं रैसिपी। जे हजे तक वीडियो नूं तुसीं लाइक नहीं किया, प्लीज़ जाके वीडियो नूं लाइक कर दो, शेयर एंड कमेंट भी जरूर करते रहा करो, तो दसते रहा करो कमेंट सैक्शन के विच कि तुसीं कीड़ी कीड़ी वीडियोज़ नूं अगे वेखना पसंद करोगे। मैं जरूर ट्राई करांगा तुहाडी सारी रैसिपी वीडियो बनाने की कोशिश करांगा। जे हजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, तो नाल ही नाल बैल आइकन नूं भी जरूर क्लिक कर लैना, तां कि जिहड़ी भी नवीं वीडियो आवे उहदी नोटिफिकेशनस तुहानूं मिलदियां रहन। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर दें। 3, 2, 1 लेट्स। फ्रंट बेसन का चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन। 3 से 4 बड़े चम्मच हम ले लेते हैं इसको, बेसन को। 3 चम्मच हमने बेसन ले लिया है। साथ ही हम ले लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, या आप इसे मैश भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैश किया है प्याज को। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे इसके अंदर। आधा चम्मच ही हम डालेंगे नमक, या आप स्वाद अनुसार भी नमक डाल सकते हैं। सारी चीज़ें मिक्स कर लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। जैसे हमने बैटर डोसा का तैयार किया था, वैसा ही बैटर हमने तैयार करना है, लिक्विड लिक्विड सा। याद रखना, जब भी आप बेसन का घोल बनाएंगे तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, क्योंकि बेसन के अंदर गांठें बहुत जल्दी बन जाती हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर तैयार हो गया है, आप देख। बेसन का चीला बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले नॉन स्टिक पैन लेंगे हम। उसके ऊपर थोड़ा सा, जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल है, घी अवेलेबल है, थोड़ा सा हम ऑयल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फिर जो हमने बैटर तैयार करा है उसे इवनली स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर, लाइक द डोसा वी विल स्प्रेड द बैटर। याद रखें, धीमी आंच पे पकाना है इसे। अब थोड़ा सा इसे पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। जब आप देखें कि किनारों पे रंग थोड़ा थोड़ा सा फेड होने लग गया है, तब आप थोड़ा थोड़ा किनारों के ऊपर तेल अप्लाई करेंगे, ताकि जब भी हम साइड बदलें तो आसानी से साइड बदली जा सके, क्योंकि चीला दोनों साइड से पकाया जाता है। डोसे में तो केवल हम एक साइड से ही पकाते हैं। अब देखिए, ऊपर से भी कलर जो है इसका चेंज हो रहा है। थोड़ा सा हम ऑयल ऊपर भी लगाएंगे, ताकि नीचे वाली साइड जब ये टर्न करेंगे तो आसानी से पक जाए, कच्चा किसी साइड से ना रहे।
अब हम इसे टर्न कर देंगे दूसरी साइड से। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आ गया है। अब इसे हम दूसरी साइड से पकने के लिए छोड़ देते हैं। करीब 4 से 5 मिनट में आपका चिल्ला तैयार हो जाएगा। लीजिए दोस्तों, हमारा बेसन का चिल्ला जो है तैयार हो गया। फ्रेंड्स, सर्व करने के लिए ये हमने पुदीने की जो चटनी है वो पहले से तैयार कर ली थी। इसकी रेसिपी आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी। पुदीने की चटनी के साथ हम सर्व कर रहे हैं बेसन का चिल्ला। आप चाहें तो टमाटो सॉस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया। Hope you guys like this video. If you like, please hit the like button and जहे तक तुसी चैनल नो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल नो सब्सक्राइब कर लो ते नाल ही नाल बेल आइकन नो भी प्रेस कर लो ताकि तुहानू नवी वीडियो दी नोटिफिकेशंस मिलदियां रहन। जहे कमेंट करके जरूर दस दे रहा करो कि केड़ी केड़ी वीडियोस तुसी वेखना चाहते हो। मैं जरूर ट्राई करांगा तुहाडी सारी रेसिपीज बनाने लई। मिलते हैं अगली वीडियो। टिल दैन बाय बाय, टेक केयर। अपना ते अपने घर दे दा ध्यान रखो, अपने घर विच ही रहो। 3 मई तक जो लॉकडाउन होया अपने लिए होया, इस करके घर के विच रहो। मिलते हैं अगली वीडियो। टिल दैन बाय बाय, टेक केयर।